पिताजी को प्रणाम करते थे। और आजकल तो प्रणाम करने का तरीका भी बदल गया, शायद आपके यहाँ पे कोई करते हो या ना करते हो। हमारे इधर सासू माँ को बहू कैसे प्रणाम करती थी, उनके पैरों को दबा करके, उनको प्रणाम करके। आज के जमाने में तो माँ बाप को दोनों हाथ लगाने में भी जोर आ रहा है, यहाँ घुटने पे हाथ रख दे प्रणाम हो गया। अब बताओ, अंदाजा लगाओ, जिस माँ ने हमको जन्म दिया, जिस पिता ने हमको जन्म दिया, उनको हम लोग प्रणाम नहीं कर रहे। और अंदाजा देखो, पहले हमारे बाप दादा मंदिर में जाते थे तो भगवान को सोकर के प्रणाम करते थे, करते थे ना सोकर के। आज के जमाने में मोटरसाइकिल पे बैठ करके मंदिर के सामने निकले, बोले बाबा के सामने आर्न बजा दिया, शंकर भगवान के सामने देखा और ऐसे गर्दन कर ली, निकल करके जा रहे। अब आगे जाके गर्दन टूटे, हमने कहा भोलेनाथ हमने तो तेरे सामने प्रणाम किया था, हार्न बजाया था, गर्दन भी ऐसे करी थी। शंकर भगवान ने कहा कि मेरे सामने तू निकल करके गया और तेरी गर्दन को ऐसी करी तो मेरे को क्या मालूम तेरे मन में यह होगा कि तेरी गर्दन ऐसी चाहिए, तो मैंने ऐसी गर्दन करने में भी देर। भाव की पूजा है शंकर की, बिल्कुल प्रेम की पूजा है। मेरे भोलेनाथ भगवान ने कहा कि शंकर जी को दूध कैसा चढ़ाएं, तो शिव महापुराण की कथा में आ रहा है, सूर्य उदय के पहले निकला हुआ और सूर्य अस्त के पहले निकला हुआ दूध। और सुनो, जिस गाय का बछड़ा जब तक चारा नहीं खाए वह दूध शंकर पे चढ़ा सकते हैं, लेकिन जिस दिन उसका बछड़ा चारा खाने लग जाए वो दूध भी शंकर भगवान के ऊपर नहीं चढ़ता है। कहां पूरा करेंगे हम महादेव की पूजा? आगे कहा, जिस गाय माता का बछड़ा अगर मर जाता है वो दूध देती हो, इसके बाद भी शंकर भगवान के ऊपर दूध नहीं चढ़ाना चाहिए। और कहा, दो गाय का दूध एक बाल्टी में झेल करके झेल लिया और दो बाल्टी में मिला करके एक बाल्टी में मिलाया, वो दूध भी महादेव के ऊपर नहीं चढ़ता। एक गाय का दूध आप चढ़ा सकते हो, पर दो गाय का दूध एक साथ में मिला लिया, ये भी महादेव के ऊपर कभी भी नहीं चढ़ता है। लोगों को देखा, पॉलीथिन ले आएंगे और शंकर भगवान के माथे पे बड़ी एक धार लगा लेंगे, क्या कर रहे हो आप, शंकर भगवान की मजाक उड़ा रहे हैं हम लोग। जैसे तुम हो ना ऐसे भोलेनाथ भगवान है। अच्छा थोड़ा विचार करो, किसी ने कह दिया हमने शंकर भगवान को पर सेंत लगा दी, जल नहीं चढ़ाया, अपने घर पे आ गए, अंदाजा लगाओ शंकर भगवान को कितनी मक्खी काटेगी। कभी आपने विचार किया, अगर आप कोई नहा करके आओ और तुम्हारे ऊपर कोई इत्र डाल दे, तुम्हारे ऊपर सेंट डाल दे, तो तुम सेंत करोगे नहीं करोगे? भोलेनाथ भगवान ने भी कहा दूध भी चढ़ाओ, दही भी चढ़ाओ, घी भी चढ़ाओ, शहद भी चढ़ाओ, शक्कर भी चढ़ाओ, सब चढ़ाओ, पर मेरे भोले बाबा ने कहा कि इतना जरूर ध्यान रखना, चढ़ाने के बाद में अच्छा स्नान कराओ और शंकर जी की पूजा करने के लिए जाओ, मंदिर को भी धो करके आओगे तो शंकर कृपा करे, नहीं तो शंकर कृपा करने वाला नहीं। और एक बात हम आपको और बोल दे, जो भोले बाबा के मंदिर को सजाता है, आपने देखा होगा ना बहुत सारे लोगों का एक शौक होता है, वहां जाके पुष्प तोड़ के लाएंगे, अशोक के पत्ते लाएंगे, आम के पत्ते लाएंगे, बिल्व पत्र लाएंगे, शंकर भगवान के मंदिर को सजाएंगे। जानते हैं उन्हें शंकर भगवान क्या देता है? इस कथा को ध्यान से सुनना। ये अपने घर में अगर आपने पुष्प बो रखे ना, अगर कोई तोड़ने के लिए आए ना, तुरंत तोड़ करके दे देना चाहिए। ये कोई अपने बालों का गजरा नहीं है पुष्प सजाने के लिए। भोले बाबा की कथा में आया कि जो शंकर भगवान के मंदिर को सजाता है, जो ज्योतिर्लिंग को सजाता है, जो शिवलिंग को सजाता है, तो मेरे भोलेनाथ ने आशीर्वाद दे दिया कि तूने मेरे को सजाया, जा मैं तेरे को आशीर्वाद देता हूं कि मैं भी तेरे घर को अब सजाने में देर नहीं करूंगा, मैं भी तेरे घर को सजा दूंगा। तेरे जीवन में बहुत बड़ी कृपा होगी, तेरे जीवन में महाकाल की कृपा होगी। और एक बात और बोल दे, जिनको समाज में सम्मान चाहिए, तो मेरे महादेव ने कहा, मेरे भोले बाबा ने कहा,
आपने देखा होगा एक पुष्प आता है सूरजमुखी का, शायद आजकल तो नहीं बोते लोग, सूरजमुखी का ऐसे गोल एक पुष्प आता था, जिधर सूर्य होता था उधर ही वो रहता था। एक सूरजमुखी का पुष्प महादेव के ऊपर, भोलेनाथ भगवान के ऊपर जो चढ़ा दिया जाता है, तो समाज में उसको इतना सम्मान मिलता है, इतना सम्मान मिलता है। इसलिए कोशिश करना कि सूर्यमुखी का एक फूल मिले तो महादेव के चरण में चढ़ाने में भी देर नहीं करना चाहिए। जोर से बोलो हर हर। बोलो महाकाल राजा की, शिव नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। शिव महापुराण की कथा में प्रारंभ हुआ, बिल्कुल कथा को ध्यान से सुनना। शिव जी की कृपा से सुर ने जन्म लिया, असुर ने जन्म लिया, मनुष्य की रचना हुई, दक्ष प्रजापति का जन्म हुआ, मरीचि ऋषि का जन्म हुआ, अत्रि ऋषि का जन्म हुआ, और इसके बाद में ब्रह्मा जी ने एक बेटी को जन्म देने में देर नहीं करी। सृष्टि प्रकरण ध्यान से सुनना, भोलेनाथ भगवान की कृपा से सृष्टि विस्तारित हुई। ब्रह्मा ने एक गलती करी, अपनी बेटी को जन्म दे करके उसी समय ब्रह्मा की निगाह गलत हुई, और ब्रह्मा ने एक गलत कार्य किया, उसी समय शंकर भगवान ने ललकारा और कहा कि क्यों रे ब्रह्मा, तू सृष्टि की रचना करने वाला, ज्ञान देने वाला, तू तेरी बेटी की तरफ गलत भाव रखेगा तो दुनिया को क्या संदेश जाएगा। और उसी समय ब्रह्मा जी को डांटने का काम किया, ब्रह्मा जी की आंख में से आंसू आने में भी देर नहीं लगी। सुनना, शिव महापुराण कह रही है, अपनी बेटी जब तरुण हो, अपनी बेटी जब जवान हो, अपनी बहू अगर अपने घर में आ जाए, समझदार व्यक्ति को अकेले में उसके साथ में नहीं रहना चाहिए। कब काम वासना आपके साथ में लिप्त हो जाए कोई पता नहीं चलेगा। ये ब्रह्मा दूसरे को ज्ञान देने वाला, अपनी बेटी को जन्म दिया, कामदेव आया, पांच बाण चलाया, ब्रह्मा आज बिल्कुल काम की वासना में लिप्त हो गया, बेटी भी लिप्त हो गई। उसी समय उस बेटी का नाम हुआ संध्या। कथा को ध्यान से सुनना, क्या नाम था बेटी का? नाम संध्या। आओ प्रणाम करें, बोलो संध्या मैया की। संध्या भी दुखी हुई, मेरे ऊपर भी कलंक लगा है। संध्या ने कहा कि मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि इज्जतदार व्यक्ति के ऊपर जब कलंक लगता है ना, या तो वो दुनिया छोड़ करके चला जाता है या दुनिया मिटाने में भी देर नहीं करता। संध्या ने कहा मेरे ऊपर कलंक लगा है, मैं क्या करूं। और उसी समय उसने पंडरपुर में जाकर, कभी आप गए हो जहां भगवान पंडरपुर के अंदर एक नदी है, वहां जाकर संध्या ने भगवान शंकर का हाथ जोड़ा, महादेव का हाथ जोड़ा, भोलेनाथ भगवान प्रसन्न हुए। और उस समय शंकर जी ने कहा, मांग संध्या, क्या मांगना चाहती है? संध्या ने कहा कि भगवान, अगर भोले बाबा अगर आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो गए ना, तो मैं मांगना चाहती हूं कि सबसे पहले मेरे पाप नष्ट करो। सुनना, जीवन में जिस घर में सबसे पहले पाप होंगे उसके घर में भगवान कभी भी आने वाला नहीं है। शंकर भगवान के मंदिर में जाओ, सबसे पहले यही कहना चाहिए कि भोले बाबा सबसे पहले मेरे पाप नष्ट करो। जिस दिन तुम्हारे पाप नष्ट हो गए, तुम्हारे घर पर महादेव आ जाएगा, तुम्हारे घर पर विष्णु भगवान आ जाएगा, तुम्हारे घर पर कुबेर आ जाएगा, तुम्हारे घर पर गणपति आ जाएगा, और तुम्हारी मनोकामना पूरी करने में भी देर नहीं करेगा। संध्या ने हाथ जोड़ा, भगवान महादेव से कह रही है, कहा गौरा भी सात है, कार्तिक भी सात है, महादेवा ये भूल कैसे करूं ते, आंख में से आंसू आ रहे। शंकर भगवान की तरफ देखा, बोले बाबा मेरे पिताजी के नाम से मेरे को कलंक लगा है, मेरे पाप दूर करो। शंकर भगवान ने कहा तेरे पाप नष्ट हो जाएंगे,
और कुछ मांगना है? उसने कहा कि भगवान अगर भोले बाबा आप प्रसन्न हो गए ना, मैं मांगना चाहती हूँ कि व्यक्ति जन्मे और कभी भी पापी नहीं बने। आपने देखा होगा आपका बेटा जन्म लेता है जब तक काम वासना नहीं लेती है, 10 साल 15 साल 16 साल के बाद में काम वासना प्रारंभ हो जाती है। शंकर जी ने आशीर्वाद दे दिया, फिर कहा कि मैं जिसके साथ में विवाह करूं मेरे पति का नाम जग विख्यात हो और वह कभी भी मेरे को ना छोड़े, ऐसा पति मेरे को मिले। शंकर जी ने कहा कि तथास्तु। और कुछ मांगना? संध्या ने कहा कि भगवान एक वरदान और मैं मांगना चाहती हूँ कि जो मुझे काम वासना की दृष्टि से देखे वो नपुंसक होने में भी देर नहीं करे। शंकर भगवान ने आशीर्वाद दे दिया तथास्तु। और भोले बाबा ने कहा कि जा, अब मेघातिथि नाम के ऋषि यज्ञ कर रहे हैं और तू यज्ञ में जा और अग्नि में जलने में भी देर मत कर। संध्या गई और जैसे ही अग्नि में प्रवेश किया, कथा को ध्यान से सुनना, जलती गई जलती गई जलती गई, अग्नि में संकल्प किया और जैसे ही जली तो ऊपर का भाग तो रात बना, नीचे का भाग प्रात काल बना और जो भाग बच गया था उसी संध्या का भाग बना जो आज भी अपनी बेटी बनाती है ना, क्या करते अपन वो दीवार पे बनाते गोबर की संध्या बनाते ना अपन, अपने इधर भी बनती, ये वही संध्या है। संध्या वो तू धारा घरे जा, क्या क्या बोलते, इतनी सुंदर सुंदर आप लोग आपकी बेटी गाती है, ये वही संध्या है। गाय का गोबर बना करके हम लोग संध्या माता को बनाते हैं, संध्या के रूप में जन्म लिया और उसको जलती जलती उठाया, अरुदंती और वशिष्ठ के साथ में उसका विवाह हुआ। और इसके यहाँ पर जब विवाह हो रहा था तो ब्रह्मा जी जल डाल रहे थे, अभी तक आप लोगों को मालूम नहीं होगी कि शिप्रा जी का जन्म कहाँ से हुआ, पर जब अरुंधत्ती का विवाह, संध्या का दूसरा नाम हो गया अरुंधत्ती, अरुदत्ती का विवाह वशिष्ठ जी के साथ में हुआ और जैसे ही जल डाल रहे थे तो ये जल उज्जैन में गिरा और उज्जैन में गिरा तो शिप्रा के नाम से विख्यात होने में भी देर नहीं लगी। बोलो शिप्रा मैया की। आनंद आया, सब लोगों ने गाया, सब लोगों ने आनंद ले रहे हैं, मेरे भोले बाबा की कृपा का आसरा ले रहे हैं और सभी ने मेरे महादेव को प्रणाम किया। बोलो हर हर महादेव। संध्या कह रही है मेहंदी राचन लागी हाथा में भोला राना मेरी। जो आनंद लेना आज मेरे भोले बाबा का पहला विवाह होगा, प्रेम से गाएंगे नाचेंगे। आई शुभ घड़ी देखो मारे आंगन आज रे, आई शुभ घड़ी देखो मारे आंगन आज रे, मेहंदी राचन लागी हाथा में भोला राना मेरी, मेहंदी राचन लागी हाथा में भोला राना मेरी, आई शुभ घड़ी देखो मारे आंगन आज रे, आई शुभ घड़ी देखो हरे आंगन आज रे। पचेता तारा नाम का लगाया, पांच पचेता तारा नाम का लगाया, हरी हरी मेहंदी पाँव में लगाया, हरी हरी मेहंदी पाँव में लगाया, आयो आयो रे रंग गहरो भोला धारा नाम रो, आयो आयो रे रंग गहरो भोला धारा नाम रो, आयो आयो रे रंग गहरो
शंकर था जाना मिरो आयो आयो रे रंग गहरो भोला तारा नाम रो आई शुभ घड़ी देखो मारे आंगन आज रे आई शुभ घड़ी देखो मारे आंगन आज रे बोलो भोलेनाथ भगवान की जय। शिव नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। संध्या जल गई, संध्या का शरीर बचा जो संध्या काल में उसका पूजन होने लगा और अंत में शंकर भगवान को एक ही बात है, जहां भी ब्रह्मा मिलता एक ही बात करते कि ब्रह्मा जी तुम कैसे हो,
किसी पराई स्त्री की तरफ आप नजर डालते हो, गलत कर रहे हो। ब्रह्मा जी आज इतने परेशान हो गए, इतने परेशान हो गए कि जहां पर भी जाते शंकर भगवान वहां आते और शंकर भगवान उसकी मजाक उड़ाने में भी देर नहीं करते। कथा को ध्यान से सुनना। अगर आपने भी आपके जीवन में कभी गलत कार्य किया होगा और भरी सभा के अंदर अगर आप बैठोगे, आपकी कोई ना कोई मजाक उड़ाने वाला भी देर नहीं करेगा। शंकर भगवान से बिल्कुल परेशान हो गए ब्रह्मा जी, दुखी हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि मुझे क्या करना चाहिए, विष्णु भगवान के पास में जाना चाहिए और विष्णु भगवान से कहना चाहिए कि शंकर भगवान मेरी बार बार मजाक उड़ा रहा है, बार बार हंसी उड़ाता है, मैंने एक बार गलती करी पर सभा के बीच में मुझे लज्जित कर रहा है। विष्णु भगवान के पास में गए ब्रह्मा जी और ब्रह्मा जी ने विष्णु भगवान के सामने पूरी बात बता दी कि देखो मैं जहां पर भी जाता हूं ना वहां शंकर भगवान आ जाता है और 10 जने के बीच में मेरी मजाक उड़ाता है, 10 जने के बीच में मेरी बेइज्जती करता है। विष्णु भगवान ने कहा कि क्या हुआ, तो ब्रह्मा जी ने पूरी कथा सुनाई और सुन लेना, उसी समय विष्णु भगवान ने ब्रह्मा जी को एक सुंदर बात कही, कहा गीत गा कर जियो, मुस्कुरा कर जियो, प्यार में अपना सब कुछ लुटा कर जियो, काम करो ऐसा जगत में कि सिर झुका के नहीं सिर उठा कर जियो। कभी दूसरे के सामने सिर झुकाने की जरूरत नहीं। और तुमने अगर अच्छा काम किया होगा ना, तुम गली में से भी निकलोगे ना तो तुम्हारे दुश्मन भी जब निकल करके जाएंगे तो तुम्हारे लिए ताली बजाने में भी देर नहीं करेंगे। ऐसा व्यक्ति था। विष्णु भगवान ने कहा कि अगर तुम चाहते हो शंकर भगवान तुम्हारी मजाक ना उड़ाए तो एक काम करो, शंकर भगवान ने अभी तक विवाह नहीं किया है, भोले बाबा का विवाह करवा दो और भोले बाबा का विवाह होगा तो तुमको चिढ़ाना वो बंद कर देंगे। तुम्हारे बेटे दक्ष को आज्ञा दो, भगवती का आराधन करें, माता रानी का आराधन करें और उस समय दक्ष से कहना कि माता रानी प्रसन्न हो जाए तो माता से ये कहना कि तू मेरे घर पर बेटी बनकर आ जा और जैसे ही बेटी बनकर आएगी तो शंकर जी के साथ में विवाह करने में भी देर नहीं करेंगे। बोलो महादेव भगवान की। दक्ष और दक्ष की धर्म पत्नी जिसका नाम वीरनी, माता रानी का हाथ जोड़ा, भगवती का आराधन किया, हाथ जोड़ करके कहने लगे, कहा मां प्रसन्न हो, पति और पत्नी ने मिलकर पहाड़ पर जाकर के माता रानी को याद किया, ए मां भगवती दर्शन दे, प्रेम के साथ में कह कहा आओ। दो शब्दों में माता रानी को याद करें, बड़ा सुंदर सा। एक दक्ष ने दो शब्दों में माता रानी को याद किया, मेरे साथ गाने का प्रयास करें, कहा मरे हेला पे हेला देवो मरी माँ, हेला पे हेला देवो मरी माँ, सुना राजा जर बाज रहा अम्बा, सुना राजा जर बाज रहा, थर नथड़ी गड़ाऊर करू श्रृंगार, नथड़ी गड़ाऊर करू श्रृंगार, सुना राजा जर बाज रहा, सुना राजा जर बाज रहा, बोलो अंबिका महारानी।
दक्ष ने और उसकी धर्मपत्नी ने जाकर पहाड़ पर जाकर माता रानी को याद किया। आओ हम सब मिलकर माता रानी को प्रणाम करेंगे। सैकड़ों वर्ष हो गए जल नहीं पिया, हजारों हजारों साल तक अन्न नहीं खाया और माता रानी को याद करते रहे करते रहे करते रहे। प्रेम से कहते थे, आई गिरी नंदिनी नंदिनी मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदिनुते गिरिवर विंद सिरोद निवासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुनुते भगवती हे सिद्धिकंड कुटुंबिनी भूरी कुटुंबिनी भूरी करते जय 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 महिषासुर मर्दिनी। ऐसे करके हाथ जोड़ करके माँ भगवती का खूब आराधन किया और आज माता रानी ने आकाश मंडल में से दर्शन दिया और आकाश मंडल में से दर्शन देकर के कहा कि दक्ष मैं तेरी तपस्या से प्रसन्न हो गई, मांग। क्या मांगना चाहता है दक्ष ने कहा कि भगवती माँ अगर तू मेरे ऊपर प्रसन्न हो गई ना तो मैं मांगना चाहता हूं कि तू मेरे घर पर बेटी के रूप में आ और बेटी के रूप में अवतार लेकर के हमें माँ बाप का आशीर्वाद देने में भी देर मत करना। मैंने आपको बताया ना, बेटा एक कुल को तारता है, बेटी दो दो कुल को तारती है। वो बेटी धन्य है। दक्ष ने माता रानी का आराधन किया, आंख में से आंसू आ रहे हैं, रो रहा है, बार बार कह रहा है सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमो। भगवती ने कहा कि मैं तेरे घर पर जन्म तो लूंगी, अवतार तो लूंगी, पर सुन, जिस दिन तेरे मन में अहंकार आ जाएगा मैं तुझे छोड़ने में भी देर नहीं करूंगी। समझना बात, तू मुझे प्रेम से याद कर रहा है, मैं तेरे घर पर आ रही हूं। और आप लोग भी तो जिमाते हो कि नहीं जिमाते हो, छोटी छोटी कन्या जिमाते ना अपने घर में नवरात्रि में, प्रेम से छोटी छोटी बालिका को बुलाते हो, उनको खीर खिलाते हो, उनको पूड़ी खिलाते हो। पर कभी कभी ऐसी माँ को भी मैंने देखा कि पूड़ी खाती खाती उस बालिका को डराने में भी देर नहीं करते, ए छोरी पूरी पूड़ी खा के जाना। एक तरफ तो माताजी मान रहे हो और एक तरफ छोरी मान रहे हो, क्या कर रहे हो आप लोग? वो बेटी अगर तुम्हारे घर पर आए, थोड़ी सी खाए चाहे थोड़ी सी खीर पिए, कभी भी डांटने का काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो तुम्हारे घर पर माँ बनकर आई है। और अगर माँ बनकर आई, तुमने प्रेम से भोजन करा दिया तो तुम्हारे घर का कल्याण होने में भी देर नहीं लगेगी। आज दक्ष ने कहा, माँ मेरे घर पर पधारू, माँ मुझे ऐसा आशीर्वाद दो कि मैं आपका पिता बनू, मेरे पर कृपा करो। मातेश्वरी ने कहा कि मैं तेरी बेटी बनने के लिए तैयार तो हूं, पर तेरे मन में अगर अहंकार आ जाएगा ना, जिस दिन मेरे प्रति भाव गलत होगा तो मैं तुझे छोड़ने में भी देर नहीं करूंगी। दक्ष ने कहा कि माँ ठीक है। मातेश्वरी ने आशीर्वाद दे दिया कि जा, कुछ समय के बाद में नवरात्रि काल आएगा और उस समय में तेरे घर पे आने में भी देर नहीं करूंगी। दक्ष ने कहा कि माँ अगर आप आओगे, आने का क्या प्रमाण होगा? तो सुन लेना, मातेश्वरी ने कहा कि तेरे घर में दूध उभराने लगे, तेरे घर में अबीर उड़ने लगे, तेरे घर में गुलाल उड़ने लगे, तेरे घर में बालिका नाचने लगे, तेरे घर में शंख बजने लगे, तेरे घर में घंटी बजने लगे, ते समझ लेना कि माता रानी ने आने में देर नहीं करी। अब घर पर जा, दक्ष ने आठ भुजा वाली माता को प्रणाम किया और आज दक्ष अपने घर पर गया, इंतजार कर रहा है, माँ के सामने बैठ जाता, भगवती के सामने कहता था और कहा, माता जिसको याद करें वो लोग निराले होते हैं, माता जिससे प्यार करें वो लोग किस्मत वाले हो। माता रानी का प्रेम के साथ में आराधन करने लगा, भगवती की पूजन करने लगा,
अखंड दीपक जलाने लगा अपने घर में। आजकल तो प्रतिष्ठा होने लगी ना, मैंने देखा भी, पहले बेटे का जन्म होता था ना तो तीन तीन चार चार ढोल बजवाते थे, थोड़ा परिवर्तन हुआ। आजकल बेटी का जन्म होता है ना तो यहाँ पर भी जब वो अस्पताल से आती है उस समय उसके घर पर आने पर उसके पगलिए बनवाते हैं ना एक कपड़े के अंदर। ये माता रानी की कृपा है, भगवती की कृपा है, मेरे मातेश्वरी का आशीर्वाद है। और उसी समय आज समय हुआ, देवताओं ने नगाड़े बजाने लगे, पुष्प बरसने लगे और उसी समय मेरी माता रानी ने अवतार लेने में देर नहीं करी। बोलो अंबिका महारानी। देवता आज नगाड़े बजा रहे, जय जयकारा होने लगा। 11 दिन हुए, ब्राह्मणों को बुलाया और कहा कि मेरी बेटी का नामकरण रखो। तो ब्राह्मणों ने उसका नाम रखा, हम लोग बड़े भाव से उसको प्रणाम करेंगे। ब्राह्मणों ने सबसे पहला नाम दिया, बोलो उमा महारानी की। क्या नाम आया? उमा। तुम्हारी बेटी शिव की भक्त होगी, शिव के बिना कभी भी नहीं रहेगी। 11 दिन की उमा हुई। आज माता ने आज आंखों के अंदर काजल लगाया, रुद्राक्ष की माला पहनाई। आज उमा थोड़ी सी बड़ी हुई, ठुमक ठुमक कर आंगन में चलने लगी। अंदाजा लगाओ ना, आप भी कोई की बेटी होगी। जीवन में सब ध्यान रखना, पर अपने माता पिता का कभी भी दिल नहीं दुखाना चाहिए। आज नन्नी सी बेटी है उमा महारानी, आज आंगन में डोल रही है, बड़ा आनंद आ रहा है दक्ष को। और जब आती तो अपने पिताजी को गले लगाने में भी देर नहीं करती थी। उमा जी का जन्म हुआ 3 वर्ष की, क्योंकि मेरे को कथा के समय पर चलना पड़ेगा। आज उमा का जन्म हुआ, 3 वर्ष की हुई और अंत में 2 साल के पश्चात उमा ने अपने पिताजी से कहा कि मुझे शंकर जी का आराधन करने के लिए जाना है, अब मुझे आज्ञा दीजिएगा। दक्ष ने आज्ञा दी और वही उमा जी ने एक व्रत प्रारंभ किया और उस व्रत का नाम था नांदी श्राद्ध के रूप में। उस माता ने आश्विन मास में गुड़ नहीं खाया, चावल नहीं खाया, नमक नहीं खाया और 12 साल तक शंकर भगवान की पूजन करी। कितने साल तक? 12 साल तक। भोले बाबा का नाम स्मरण किया, भगवान के चरणों में मन लगाया और उस व्रत का नाम है, आप ध्यान से सुनना, उस व्रत का नाम है नंदा व्रत। नंदा व्रत में क्या किया जाता है सुन लेना, गुड़ को नहीं खाया जाता, जो अपन गुड़ जानते ना, नमक नहीं खाया जाता है, चावल 12 साल तक नहीं खाए जाते। और इस व्रत को जो करती है ना नारी, उनको शंकर जैसा पति मिलता है 12 साल तक। उमा ने भोले बाबा का नाम लिया, शंकर भगवान का नाम लिया और अंत में आप लोगों को मैं बता दूं कि शंकर भगवान और आज उमा जी का विवाह हो रहा है। पहली बारात किस दिन गई थी लोगों को नहीं मालूम है, आज मैं बता रहा हूं, चैत्र सुदी 13। ये चैत्र अभी गया, अभी वैसाख चल रहा है। चैत्र सुदी 13 के रोज शंकर भगवान बारात लेकर के आए थे दक्ष के यहाँ पर। और विधि बाबा बारात लेकर दक्ष के यहाँ पर आया है और उस समय कथा को ध्यान से सुनना, सती माता घूंघट में है, आपने देखा होगा ना घूंघट में लाड़ी बैठती है, शंकर भगवान बैठे हुए हैं और पार्वती माता आई तो वो भी घूंघट निकाल करके आई। ब्रह्मा जी के मन में आया कि सती माता के पैर अगर इतने सुंदर हैं, पैर इतने सुंदर तो मुख कितना सुंदर होगा। और इसलिए आप लोगों को एक मैं बहुत बड़ी बात कहना चाहता हूं कि औरत का गहना लाज है। एक बार औरत अगर सोने की चूड़ियां पहने या ना पहने, नकसिक तक श्रृंगार करे या ना करे, औरत का गहना लाज है और चरित्र उसका आभूषण है। एक बार खोटी रकम भी पहन ले और चरित्र अगर सही है तो ये समझ लेना कि 16 श्रृंगार करने में भी देर नहीं कर रही। सती माता इतनी सुंदर, इतनी सुंदर। सती माता के ब्रह्मा जी पैर देख रहे हैं, अंदाजा लगाओ ना, सती माता ने तो घूंघट यहां तक निकाल रखा है।
ब्रह्मा जी ने विचार किया, ब्रह्मा जी ने सुधरे, पहले भी गलती करी आज भी कर रहे हैं। ब्रह्मा जी के मन में आया कि सती माता के पैर इतने सुंदर, इनका मुख कितना सुंदर होगा। आज ये विचार कर रहे हैं पर सती माता का मुख देखूं तो कैसे देखूं। ब्रह्मा जी ने किया कि क्या करूं, अब ये भी नहीं कह सकता कि आपका घूंघट उतार दो या घूंघट दिखा दो। ब्रह्मा जी ने कहा कि एक काम करूं, जो हवन किया अपन ने फेरा करते ना फेरा, और फेरे का एक कुंड बना रहता है उसके अंदर दो चार लकड़ी डाल दूं, और लकड़ी डालूंगा तो धुआं निकलेगा, और धुआं निकलेगा तो सती माता की आंख में जाएगा, और सती माता की आंख में जाएगा तो सती माता घूंघट निकालने में भी देर। ये ब्रह्मा बड़ा करामाती है। ब्रह्मा जी ने दो तीन लकड़ी ली और उस कुंड के अंदर डाली, और जैसे ही कुंड के अंदर डाली सती माता को धुआं होने लगा, बिल्कुल घबराने लगी, और उसी समय सती माता ने अपना घूंघट निकाला, और जैसे घूंघट निकाला आज ब्रह्मा निहाल हो गया, और ब्रह्मा जी ने सती माता को प्रणाम करने में देर नहीं करी, बड़ा प्रसन्न हुआ। और अंत में आप लोगों को मैं बता दूं कि शंकर भगवान और सती माता का विवाह हुआ।